गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गाइस, आई थिंक भाई सबको आवाज आ रही है क्लियरली, क्या किसी को दिक्कत है? एनीवन हैव एनी इश्यू? मेरी वॉइस सबको क्लियरली आ रही है गाइस? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए ताकि अपन आगे स्टार्ट करें। मेरी वॉइस सबको आ रही है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ज्वाइन फास्टली सो वी कैन स्टार्ट। सबको मेरी वॉइस आ रही है गाइस? तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था सिलॉग्स के बारे में, उसी को कंटिन्यू आज डिस्कस करेंगे। कल कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज क्वेश्चन करेंगे आगे और, ताकि आपका सिलॉग्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, आपको सिलॉग्स के अंदर किसी टाइप की दिक्कत नहीं आती है। जो हिंदी मीडियम से गए उनको पता बता दूं कि सिलॉग्स का मतलब क्या होता है। इसमें होता क्या है कि आपके कुछ कथन दे रखे होते हैं, मीन्स आपको स्टेटमेंट आपको गिवन होते हैं, ठीक है। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट होंगे उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपन कंक्लूड करेंगे कि कौन सी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे अपने पास कोई कथन को निष्कर्ष जो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, जो आपका कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ कंक्लूजन जो होंगे वो तो फॉलो करेंगे स्टेटमेंट को और कुछ कंक्लूजन जो होंगे वो फॉलो नहीं करेंगे। तो वो सारी चीजें अपन देखेंगे इसी लेक्चर के अंदर, इसमें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि मेरी एक डेली स्पेशल क्लास होती है, फ्री स्पेशल क्लास होती है, जो होती है शाम को 9 बजे। डेली क्लास होती है अनअकैडमी ऐप पर। यह क्लास कहां होती है? अनअकैडमी ऐप पर क्लास होती है। यह भी फ्री क्लास है, इसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके अंदर आप ये मेरी फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हो। शाम को 9 बजे डेली क्लास होती है। इस क्लास में आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके अंदर PYQ का डिस्कशन करता हूं। अभी मैं जो CSIR के आपका एग्जाम आने वाला है, तो CSIR के जितने भी सालों के, पिछले सालों के 2011 से लेके 2019 तक के जितने भी PYQs है, इन सब PYQ का मैं डिस्कशन इस क्लास में करता हूं। तो आप डेली एक क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। गाइस आप एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आप सबको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है साफ साफ, या कोई वॉइस में दिक्कत है किसी को भी? सबको मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है, कोई वॉइस में दिक्कत है? जल्दी से कंफर्म कर दीजिए एक बार गाइस फास्ट। ओके थैंक यू गाइस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मोहित, दीक्षा, अनिल, ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। सो दूसरी चीज, अगर आपको स्ट्रक्चर कोर्स पढ़ना है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोर्स आपको चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड का, किसी भी और सब्जेक्ट का, CSIR के जितने भी सब्जेक्ट उन सबका स्ट्रक्चर कोर्स आपको अनअकैडमी मिलेगा। स्ट्रक्चर कोर्स पूरा का पूरा आपको करने के लिए आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको क्या करना है, मेरा कोड यूज करना है RAM23। ये कोड आपको यूज करना है RAM23। ये कोड आप लोग यूज करोगे तो इससे आपको सब्सक्रिप्शन फी जो है उसके अंदर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सब्सक्रिप्शन फी में 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको कुछ और बेनिफिट भी होगा अगर आप ये कोड यूज करोगे तो, ठीक है। अब दूसरा एक जो कोर्स मेरा चल रहा है वो चल रहा है प्लस प्लेटफॉर्म पर। जिसने प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जिसके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है, एनीवन ऑफ यू हैव प्लस सब्सक्रिप्शन,
जिसके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है वो लोग ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स अभी शुरू हुआ है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे होता है और टाइमिंग आपका ये भी आफ्टरनून 1 o'clock रहता है। आफ्टरनून 1 o'clock इसका टाइमिंग रहता है, 1 p.m. का इसका टाइम रहता है आफ्टरनून के अंदर, ठीक है। ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। विद प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन ओनली ज्वाइन दिस क्लासेस। इसके अंदर मैं टॉपिक वाइज जनरल एप्टीट्यूड ले रहा हूं, जिसमें आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आप सीएसआईआर केवल तैयारी करो, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही यूजफुल हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे सारे के सारे इसके अंदर। टॉपिक वाइज चल रहा है, जैसे नंबर सिस्टम से शुरुआत की तो नंबर सिस्टम हो गया है, एवरेज है, सारे के टॉपिक डिस्कस करूंगा, नंबर सिस्टम, एवरेज, एलिगेशन मिक्सचर, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, इन सभी टॉपिक का अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मोहित, जनरल एप्टीट्यूड का डिस्कशन मैं करूंगा जरूर, ठीक है, क्या क्या आता है क्या नहीं आता है। एक दिन मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया था बेसिक आउटलाइन ऑफ द सीएसआईआर पेपर पार्ट ए पेपर, आप वो वीडियो देख सकते हो, मेरा वीडियो है यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल पर, कि बेसिक आउटलाइन ऑफ सीएसआईआर पार्ट ए पेपर, ठीक है। दूसरी चीज जो जनरल एप्टीट्यूड मैंने पहले ही आपको बोला था, जनरल एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल सीएसआर के लिए नहीं बात कर रहा हूं, सीएसआर के लिए तो है ही है। ये 30 marks का आपका पोर्शन होता है सीएसआर के अंदर, 30 marks का। सीएसआर में कितने मार्क्स का आता है जीए? 30 marks का आता है, ठीक है। उसमें आपके टोटल क्वेश्चन जो दे रखे होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके होते हैं 20, ठीक है। सीएसआर के अंदर जो पेपर होता है उसके अंदर टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 20 क्वेश्चन होते हैं। उस 20 क्वेश्चन में से आपको यू हैव टू डू 15 क्वेश्चन आपको उसमें से करना है, सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होता है 5 क्वेश्चन को लीव करने का, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, 5 क्वेश्चन को लीव कर सकते हो। आपको आइडिया आ जाएगा कैसे क्वेश्चन को लीव करना है, बहुत इजीली आप लोग क्वेश्चन को लीव कर पाओगे, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस अच्छे कर लोगे तो आपको कौन सा टॉपिक अगर ढंग से नहीं आ रहा है, किसी टॉपिक से हार्ड क्वेश्चन आता है तो आप इजीली ये डिस्कस करने में इजीली आप देखते पता कर लोगे, हाँ ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, ये क्वेश्चन मुझे करना है। ये 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आप सही कर रहे हैं तो आपको +4 marks मिलेगा और अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको -1 marks मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वन रॉन्ग क्वेश्चन यू लूज 5 marks, आपको 5 marks का नुकसान होगा, क्योंकि एक तो माइनस का हो गया और एक आपका वो रॉन्ग हो गया, टोटल मिला के आपने 5 marks नुकसान खा लिया, ठीक है। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि जो क्वेश्चन करना है उसको सही करना है, कभी गलत नहीं करना है, अटेम्प्ट जो कर रहे हैं वो सही होना चाहिए कंफर्मली, उसी के बाद आप अटेम्प्ट कीजिए, वरना ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। अब जो एक स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखा है, जो जनरल एप्टीट्यूड केवल एक सिंपल सब्जेक्ट ही नहीं है पर किसी भी कंपटीशन एग्जाम का बैकबोन होता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को आपको सेलेक्ट होना है तो आपको जीए बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, विदाउट जीए वी विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। अब आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेने में या किसी भी टाइप की दिक्कत आती है, प्लस का सब्सक्रिप्शन या क्लास ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है, तो गाइज यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू जीए एंड जनरल साइंस, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल साइंस से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है देन यू कैन आस्क मी, यू ओपनली डिस्कस विद मी, ठीक है। आपको कोई भी समस्या आती है, आप कोई भी चीज प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप लोग मेरे से किसी भी टाइम पूछ सकते हो, ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गाइज। नाउ यू स्टार्ट विद अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, ट्राई टू सॉल्व इट, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन सबको विजिबल है क्लियरली और एनी इश्यू इन विजिबलनेस?
तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम स्ट्रेट आर लाइन, कुछ स्ट्रेट जो है लाइन है, सम स्ट्रेट आर डायगनल, कुछ स्ट्रेट डायगनल है, एंड सम डिवाइड आर लाइन, कुछ डिवाइड लाइन है, ठीक है, उससे कंक्लूड करना है। सम स्ट्रेट कैन बी डिवाइड, सम स्ट्रेट कैन बी डिवाइड, यहां वर्ड पर ध्यान देना, कैन बी वर्ड आ रहा है, बहुत यूजफुल है। सम स्ट्रेट आर नॉट डायगनल, कुछ स्ट्रेट डायगनल नहीं है, ठीक है। तीसरा बोल रहा है सम स्ट्रेट आर डिवाइड, कुछ स्ट्रेट डिवाइड है, तो इसमें से कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, दैट्स यू हैव टू फाइंड। कि पहला ऑप्शन दे रखा है कि केवल पहला और तीसरा फॉलो कर रहा है, दूसरा दे रखा है ओनली पहला फॉलो कर रहा है, इसका अगला ऑप्शन दे रखा है कि या तो पहला फॉलो करेगा या तीसरा फॉलो करेगा, ठीक है, और चौथा दे रखा है ओनली थर्ड फॉलो, केवल तीसरा फॉलो कर रहा है, और लास्ट ऑप्शन दे रहा है नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। वेरी गुड, बी ऑप्शन आ रहा है अंजलि का, दिव्या का भी बी ऑप्शन आ रहा है, केवल पहला फॉलो कर रहा है, शाबाश गाइस। तो यहां पे देखिए, इसका ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, जिसने भी बी ऑप्शन किया बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, डायग्राम से आपको साफ साफ चीजें दिख रही है। देखो पहली चीज तो दूसरा ऑप्शन तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे नॉट डायग्राम दे रखा नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव का मैंने पहले बता रखा था, नेगेटिव स्टेटमेंट आपको इग्नोर करना है, नेगेटिव क्या करना है, इग्नोर करना है, क्यों इग्नोर करना है, बिकॉज ऑल स्टेटमेंट आर पॉजिटिव, बिकॉज ऑल स्टेटमेंट आर पॉजिटिव, ऑल स्टेटमेंट आर पॉजिटिव, सारे अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव आंसर को क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, इसको आप कंसिडर मत कीजिए, वो तो कभी सही होगा नहीं। तो जहां सेकंड फॉलो आ रहा है वो तो आपका रॉन्ग हो गया, पर यहां पे अपन ऑप्शन में देख रहे हैं सेकंड का ही फॉलो नहीं बोल रहा है, सेकंड को भी फॉलो नहीं बोल रहा है। अब पहला बोल रहा है, अपन ने डायग्राम बनाया किसके अकॉर्डिंग, सम स्ट्रेट आर लाइन, तो सम स्ट्रेट आर लाइन, ये दोनों में कॉमन पार्ट आ गया, तो सम स्ट्रेट आर लाइन हो गया। दूसरा बोल रहा सम स्ट्रेट आर डायगनल, तो सम स्ट्रेट आर डायगनल, ये भी पार्ट आपका हो गया। तीसरा बोल रहा सम डिवाइड आर लाइन, सम डिवाइड आर लाइन, ये भी आपका पार्ट यहां पे हो गया। अब इसे कंक्लूड कर रहा, देखो पहला कंक्लूड क्या है, सम स्ट्रेट कैन बी डिवाइड, सम स्ट्रेट कैन बी डिवाइड, ये कैन बी का ऑप्शन आया, तो ये जो डायग्राम मैंने ऐसे बनाया है, कोई आपका आप ऐसे ही बना सकते हो, अगर डिवाइड आप यहां पर ले रहे हो तो भी तो आपको रॉन्ग नहीं करेगा कोई भी। तो यहां पर क्या आ रहा, सम स्ट्रेट मैं भी डिवाइड, तो यहां तो कैन बी का वर्ड आ रहा है, जो कैन बी का वर्ड आ रहा है दैट इज पॉसिबिलिटी, सो आई विल करेक्ट इट, इसको मैं सही करूंगा, ये करेक्ट है मेरा, ये फॉलो कर रहा, कैन बी वर्ड के कारण केवल फॉलो कर रहा, अगर यहां पे कैन बी नहीं होता तो मैं इसको फॉलो नहीं मानता, ये चीज ध्यान से दिमाग में बैठा लेना, अगर यहां पे कैन बी वर्ड नहीं होता तो मैं इसको नहीं लेता, इसको छोड़ देता, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, सम स्ट्रेट आर डिवाइड, सम स्ट्रेट आर डिवाइड, आर डिवाइड, तो यहां पर देखो ये अपना भी कैंसिल हो गया, कि ये कंफर्म बोल रहा है, कंफर्मेशन नहीं है, इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखे कोई बोलेगा कि यहां पे तो स्ट्रेट और डिवाइड का कोई सीधा रिश्ता नहीं है, जब सीधा रिलेशन नहीं है तो ये कैसे सही हो गया, नहीं हो सकता, तो ये इनकरेक्ट हो गया आपका। समझ में आ गई इसकी बात, कि क्यों आपका केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, केवल फर्स्ट फॉलो इसलिए कर रहा है कि यहां पर कैन बी वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन जब बनते हैं तो आपकी सारी ट्रिकें फेल हो जाती है, जो आप कई लोग पढ़ाते हैं कि सो लेके कर लीजिए, या वेन डायग्राम तो बन ही रहा है, तो बात ठीक है, ट्रिक जो लगाते हैं कि सो ट्रिक लगाते हैं, 100 और 50 वैसे लेके कीजिए, कि आर के अंदर 100 ले लीजिए, सम के अंदर 50 ले लीजिए, वो ट्रिक अब आपकी यहां पर काम नहीं आती है। तो इस चीज का स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम क्या देना है, कि जहां पॉसिबिलिटी है उसके अंदर तो देखिए, पर जहां कंफर्मेशन है और आपस में सीधा रिश्ता नहीं है उसको आप इग्नोर करना पड़ेगा, और जहां पॉजिटिव स्टेटमेंट है और नेगेटिव कंक्लूजन है तो उसको भी आपको इग्नोर करना, वो कभी सही नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन, नाउ वी विल मूव फॉर सेकंड क्वेश्चन। एनीवन हैव एनी इश्यू गाइस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कमेंट नाउ ऑल्सो, आप भी कमेंट कर सकते हो, किसी को कुछ भी पूछना है तो भी, किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है यू कैन कमेंट नाउ। क्वेश्चन विजिबल है सबको, जल्दी से इसका ऑप्शन देने की ट्राई कीजिएगा।
कि सम रोज आर ब्यूटीफुल, कुछ रोज ब्यूटीफुल है, सम ड्रीम्स आर ब्यूटीफुल, कुछ सपने ब्यूटीफुल है ड्रीम्स, और ऑल नेचर आर ब्यूटीफुल। अब इसे करना है कंक्लूड कि सम रोज आर नेचर, नो नेचर इज रोज। ए ऑप्शन आ रहा है दिव्या का, सॉरी संपूर्णा का, संपूर्णा का आ रहा डी, दिव्या का आ रहा ए। बहुत अच्छी बात है, ट्राई कर रहे हो आप सब लोग, शाबाश। एनीवन एल्स, और किसी का आ रहा है कोई ऑप्शन, जल्दी कमेंट कीजिएगा अगर आ रहा है तो। और किसी का नहीं आ रहा है संपूर्ण दिव्या के अलावा, डी ऑप्शन आ रहा बहुत लोगों का, ठीक है कि इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड। तो अभी देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन आ रहा है सी। अब देखो आप, सी ऑप्शन आपका क्या दे रखा था, सी ऑप्शन दे रखा इफ आइदर कंक्लूजन वन और सेकंड फॉलो, या तो पहला फॉलो करेगा या सेकंड फॉलो करेगा। इसका कारण देखना गाइस, अब ये अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया, ये अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया है। कैसे आया इसको भी सुनना, ढंग से सुनना, ढंग से पहचानना इस क्वेश्चन को कि यहां पे नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट भी फेल क्यों हुआ है, जो मैं नेगेटिव का बोलता हूं वो भी क्यों फेल हुआ है, इसका कारण है एक यहां पे। इसका यहां पे एक कारण है, यहां पे देखना कि पहला क्या बोल रहा है, सम रोज आर ब्यूटीफुल, तो सम रोज आर ब्यूटीफुल ये हो गया। सम ड्रीम्स आर ब्यूटीफुल, तो सम ड्रीम्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ऑल नेचर इज ब्यूटीफुल, ऑल नेचर इज ब्यूटीफुल, ये आपके पास आ गया। अब आप लोग देखो, सम रोज आर नेचर, सम रोज आर नेचर, अब ये बोल रहा है कि सम रोज आर नेचर, तो ये डायग्राम किसी ने ऐसा नहीं बना के ऐसा अगर बने, यहां पर देखो, यहां पर तो आपको दिख रहा है कि नो रोज इज नेचर, नो नेचर इज रोज, तो इन दोनों में ये तो किसके लिए सही आ रहा है, ये इसको सही बता रहा है, ये डायग्राम जो है वो सेकंड को सही बता रहा है। अगर ऐसा नहीं बनाया किसी ने, किसी ने ऐसा बना दिया ये रोज है, क्योंकि यहां पर दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन है, वो दोनों कंक्लूजन आपस में ऐसे दे दिए कि आप उनको ऐसा निकालना पड़ेगा कुछ अलग सोच के। दूसरे में किसने ऐसा बना दिया, और यहां से ड्रीम्स ले रहा है, यह भी तो डायग्राम सही है, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। पर अब यह डायग्राम क्या कह रहा है, यह वाला पार्ट तो देखो यह कॉमन आ रहा है आपका, तो यह क्या कह रहा है कि सम रोज आर नेचर, और यह डायग्राम क्या कह रहा है कि नो नेचर आर रोज, कोई भी नेचर रोज नहीं। तो ये दोनों दोनों एक साथ तो कभी ट्रू होंगे नहीं, दोनों एक साथ तो कभी ट्रू होंगे नहीं। इसका मतलब ये अगर पहला फॉलो कर रहा है, इफ फर्स्ट फॉलो देन सेकंड फॉलो नहीं करेगा, एंड इफ सेकंड फॉलो फर्स्ट विल नॉट फॉलो। ये चीज कंफर्म होगी दिमाग में, कि ऐसे क्वेश्चन को भी थोड़ा अलग से ध्यान आपको कैसे देना है, जहां पे दोनों स्टेटमेंट एक ही साथ एक ही चीज के अपन को दे दिए, कि यहां पे भी रोज और नेचर का दे रखा है और यहां पे भी नेचर और रोज का ही दे रखा है, तो इन चीजों में फिर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा जब, समझ में आया सबको ये पीछे वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत है, दिक्कत है बता दीजिए, क्योंकि गलत बहुत लोगों का हुआ है, सही नहीं हुआ आपसे वो क्वेश्चन, क्योंकि आपके दिमाग में वो नेगेटिव वाली चीज बैठ गई थी, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। यहां सारे जो क्वेश्चन है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो जाए कि सिलो से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कैसे आपको सोल्व करना है।
ए ऑप्शन आ रहा अंजलि का कि ओनली फेस्ट फॉलोज। चलिए अभी देखते हैं और किसी का, एनीवन एल्स, और किसी का आ रहा है। पूजा दे का ए ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, और बाकी सब भी कीजिए, देखें जल्दी से किसका क्या ऑप्शन आ रहा है। दिव्या का सी ऑप्शन आ रहा है। चलो चलो, आपके सामने आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा अंजलि, पूजा, आपका बिल्कुल ऑप्शन सही आया है। यू गॉट ए ऑप्शन कि ओनली फेस्ट फॉलो। ठीक है, अब यहां पे देखो जो कंडीशन दे रखी है उसका वेन डायग्राम आपको दिख रहा है कि ऑल प्लास्टिक आर वेस्ट, ऑल प्लास्टिक आर वेस्ट। तो आप ये वेस्ट का है ऐसा डायग्राम जैसे बनाए रखा है, वापस बना देता हूं आपके सामने कि ऑल प्लास्टिक आर वेस्ट। तो प्लास्टिक अंदर रहेगा और वेस्ट बाहर रह जाएगा। ये आपका प्लास्टिक आ गया और ये आपका वेस्ट आ गया। फिर बोला सम वेस्ट आर रोड, सम वेस्ट आर रोड, सम वेस्ट आर रोड, ये रोड हो गया। ठीक है, फिर नो रोड इज साइकिल, नो रोड इज साइकिल, कोई भी रोड साइकिल नहीं। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहां पे नेगेटिव स्टेटमेंट आ चुका है, यहां पे ये नेगेटिव स्टेटमेंट आ चुका है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट यूज हो गया है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव यूज हो गया है तो आपका कंक्लूजन भी नेगेटिव हो सकता है, उसके चांस बढ़ जाते हैं। तो अब आए कंक्लूजन के ऊपर। पहला क्या बोल रहा है कि सम वेस्ट आर नॉट साइकिल, कुछ वेस्ट जो है वो साइकिल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ वेस्ट जो है रोड का पार्ट है या नहीं है? और कोई भी रोड साइकिल नहीं है। तो ये कंफर्मली बता रहा है ना, ये कंफर्मली रिलेशन दे रहा है। ये दोनों मिलके देखो, ये दोनों मिलके साफ साफ बता रहे हैं कि भाई ये सही है, ये सही है। फिर दूसरा बोल रहा, सम प्लास्टिक, सम साइकिल आर प्लास्टिक, सम साइकिल आर प्लास्टिक। इस साइकिल का और इसका आपस में कोई रिश्ता गिवन नहीं है, नो डायरेक्ट रिलेशन, नो डायरेक्ट रिलेशन। रिलेशन गिवन, कोई भी डायरेक्शन रिलेशन गिवन आपका नहीं है, सीधा कुछ भी आपके बारे में, इस बारे में नहीं बताया गया है, तो इसके बारे में अपन पता कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सीधा आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्यों कंफर्मेशन कैसे? अगर यहीं पे होता कि सम साइकिल में भी प्लास्टिक, सम साइकिल में भी प्लास्टिक, तो अपन इसके बारे में सोचते, तो इसके बारे में सोचते। ठीक है, तो इसलिए आपका केवल पहला फॉलो कर रहा है, बाकी कोई फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा कि सम काइट्स आर एरोप्लेन, ऑल एरोप्लेन आर बोट, सम बोट आर बाइक। कुछ काइट्स एरोप्लेन है, ठीक है, सभी एरोप्लेन बोट्स है और सम बोट्स बाइक है। सुष्मिता का आ रहा बी ऑप्शन, ओनली कंक्लूड सेकेंड फॉलो हो रहे सुष्मिता। ठीक है, चलिए और किसी का, अंजलि का आ रहा सी ऑप्शन, शाबाश। एनीवन एल्स? आ रहा है अनिर्बन चक्रवर्ती का, संपूर्णा का आ रहा है डी ऑप्शन, सहबा का आ रहा है ए ऑप्शन। चलिए अभी देखते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, सी ऑप्शन आ रहा है, जिसने सी किया है उनका सही है। पूजा दे का सी आ रहा है, शाबाश। तो सी क्या कह रहा है
कि आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला फॉलो करेगा या सेकंड फॉलो करेगा। अब यहां पे मैंने ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही आपके सामने करवाया था कि जिसमें बोल रखा था कि ऑल काइट्स आर बॉट, यहां पे भी सम काइट्स आर नॉट बॉट, इन दोनों में से एक ही चीज का कंक्लूजन आपको दिया है, तो इसको कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले सम काइट्स आर एरोप्लेन, सम काइट्स आर एरोप्लेन, ये बिल्कुल यहां पे कॉमन पार्ट आ गया आपका। ठीक है, फिर बोला ऑल एरोप्लेन आर बॉट, सभी की सभी एरोप्लेन क्या है, बॉट है, तो एरोप्लेन बॉट के अंदर आ गया। फिर बोला सम बॉट आर बाइक, सम बॉट्स आर बाइक, ये हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है कि ऑल काइट्स आर बॉट, ऑल काइट्स आर बॉट। अब ये डायग्राम कैसे बन सकता, मैं अभी बनाता हूं आपके सामने। यहां पे देखो, ये आप बना लिया बॉट के लिए, ये किसके लिए बना लिया, बॉट के लिए बना लिया। अगला बोल रहा है सारी की सारी एरोप्लेन, ये एरोप्लेन इसके अंदर आ गई, ये एरोप्लेन आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सम बोट आर बाइक, वो तो अलग हो गया, सम बोट आर बाइक, कुछ बोट जो है बाइक भी है, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब पहला कंक्लूजन मैं पढ़ता हूं और सम काइट्स आर एरोप्लेन, ऑल काइट्स आर बॉट, ऑल काइट्स आर बॉट, तो यहां पे अगर रिलेशन किस में दे रहा है, एरोप्लेन और काइट में दे रहा है, तो मैं सारी की सारी काइट्स को इसके अंदर ले आऊं, सारी की सारी काइट्स को इसके अंदर लाऊं, तो मुझे मना तो कोई नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसके अंदर देखें तो कौन सा फॉलो कर रहा है, इसके अंदर देखें तो पहला फॉलो कर रहा है, फर्स्ट फॉलो हो रहा है, और इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को देखें तो ये वाला काइट का पार्ट जो बच गया है वो बोट नहीं है, ये सेकंड को फॉलो कर रहा है, तो या तो क्या करेगा, ये फॉलो करेगा और या ये फॉलो करेगा, दोनों में से एक फॉलो करेगा। तो जहां सेम चीजों का कंपैरिजन दे रखा है, जहां सेम चीजों का कंपैरिजन दे रखा है, तो आप पॉसिबल दोनों डायग्राम बना के देखिए, तो अपना आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, हाँ भाई इस स्थिति में ये चीज फॉलो हो रही है और इस स्थिति में ये चीज फॉलो हो रही है, तो आइदर फर्स्ट, क्योंकि अगर किसी ने ये बनाया तो ये करेगा और किसी ने ये बनाया तो ये करेगा, तो इसलिए आइदर फर्स्ट और सेकेंड विल फॉलो, या तो पहला फॉलो होगा या दूसरा फॉलो होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि जहां पे कंक्लूजन दोनों एक ही ऑब्जेक्ट का दे रखा है, दोनों किसके बारे में दे रखा है, सेम ऑब्जेक्ट है आपके, यहां भी काइट्स और बोट है, यहां भी काइट्स और बोट है, तो दोनों के अंदर पॉसिबल जितने भी डायग्राम पॉसिबल आपके हैं उनको आप बनाइए, ताकि आपका दिमाग में क्लियर होगा कि हाँ ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है। समझ गए आप लोग, बहुत अच्छा पूजा दे आपने सही किया था इस क्वेश्चन को, शाबाश, अंजलि ने भी सही किया था, बहुत अच्छा, शाबाश गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा अब, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है आपका, सिलोग से एकदम क्लियर हो जाएगा दिमाग के अंदर, किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है आप कर पाओगे बाद में। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। नॉर्मल क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है सीधा कि हाँ ये हो जाएगा, पर यहां बहुत सारे मेथड आपको यूज करने हैं, पूरा ध्यान रख के डायग्राम बनाओगे तभी होगा, सारी पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी है तभी आप कर पाओगे। Anyone done? Then comment, जल्दी कमेंट कीजिए, जैसे ही आपका हो जाता है तो ई ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सो
सुष्मिता का भी आ रहा है, अंजलि का भी आ रहा है, कीर्ति खारे का भी ई आ रहा है। चलिए बहुत लोगों का ई ऑप्शन आ रहा है। चलिए आपका आंसर आपके सामने है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाइस, सबने बहुत अच्छा किया है, सही ऑप्शन दिया आपने कि आपका ऑप्शन आ रहा है ई। ई ऑप्शन क्या कह रहा है? ई ऑप्शन आपको कह रहा है कि बहुत कंक्लूजन फॉलो, दोनों के दोनों फॉलो कर रहे हैं, इसके अंदर दोनों फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा, आप सबके सब बहुत अच्छे से सीख गए, मुझे लग रहा है आप तो सिलेबस अच्छे से सीख गए आप लोग, आंसर देख के लग रहा है आपका बिल्कुल कि सम प्रॉपर्टी आर एक्सपेंसिव। तो सम प्रॉपर्टी आर एक्सपेंसिव, ये आपको दिख रहा है, सम प्रॉपर्टी आर एक्सपेंसिव हो गया कॉमन पार्ट। नो एक्सपेंसिव इज लग्जरी, कोई भी एक्सपेंसिव लग्जरी नहीं है, यहां से क्लियर हो गया ये। फिर बोल रहा ऑल लग्जरी आर लेंस, सारे की सारी लग्जरी क्या है? लेंस है यहां पर। फिर आगे बोला सम प्रॉपर्टी इज नॉट लग्जरी, सम प्रॉपर्टी इज नॉट लग्जरी, बिल्कुल सही बात है कि कुछ एक्सपेंसिव जो है वो लग्जरी नहीं है और कुछ प्रॉपर्टी जो है एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव, सॉरी, इन दोनों में कॉमन पार्ट है, तो एक्सपेंसिव सबका सब लग्जरी नहीं है, तो प्रॉपर्टी वाला पार्ट भी लग्जरी नहीं होगा, बिल्कुल सही है, ये फॉलो कर रहा है। सम लेंस आर नॉट एक्सपेंसिव, सम लेंस आर नॉट एक्सपेंसिव, तो कुछ लेंस जो है वो लग्जरी है और कोई भी लग्जरी एक्सपेंसिव नहीं है, कोई भी लग्जरी एक्सपेंसिव नहीं है, इसका मतलब ये भी फॉलो करेगा, दोनों के दोनों एकदम डायग्राम में क्लियर हो रहा है, यहां कोई अलग पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ई इज करेक्ट। बहुत अच्छा किया आप सबने, बहुत अच्छा, शाबाश। नेक्स्ट, आप जो नए ज्वाइन हुए हैं, जिनको कभी मेरी क्लास आज तक ज्वाइन नहीं किए, पहली बार ज्वाइन किए, उनको बता दूं कि डेली क्लास होती है अनअकैडमी ऐप पर, डेली फ्री लाइव क्लास, डेली फ्री लाइव क्लास पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए। जो लोग रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं उनको पता है कि ये क्लास कितनी बेनिफिशियल है, उन लोगों से आप डिस्कस करने ला, आपका कोई फ्रेंड जो रेगुलर ज्वाइन कर रहा है अनअकैडमी पे, ठीक है, जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस की क्लास ज्वाइन कर रहा है, अगर वो कोई है तो कमेंट में बताइए अपने फ्रेंड्स को, ये क्लास कितनी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सारे पीवाईक्यूज, एक भी पीवाईक्यू मिस नहीं होगा इसके अंदर। आप कई जगह ढूंढ लो कि कुछ पीवाईक्यू का सॉल्यूशन मिलता है, कुछ पीवाईक्यू सॉल्यूशन नहीं मिलता है, कोई टीचर भी करा क्या करता है, जैसे 20 पीवाईक्यू है, इस 20 पीवाईक्यू से 5 पीवाईक्यू स्किप कर देगा, या जो क्वेश्चन ऐसा लगेगा जो नहीं थोड़ा हार्ड टाइप का है वो स्किप हो जाता है। पर मेरे सीरीज के अंदर आप देखोगे जो पीवाईक्यू की सीरीज है उसके अंदर आप सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका सॉल्यूशन नहीं करवाया जाए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से आ जाए। कई बार क्या होता है, जनरल मैथ्स और जनरल साइंस से है, नहीं आके जनरल कंप्यूटर साइंस का आता है, जनरल फिजिक्स का होता है, जनरल केमिस्ट्री का होता था, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन वहां पे करवाया जाएगा। तो ये क्लास आप रेगुलर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल क्लास होगी आपके लिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड एकदम स्ट्रक्चरल पढ़ना है, एकदम स्ट्रक्चरल से आपको पढ़ना है कि पूरा शुरुआत से पढ़ना है, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, जिसमें मेरी क्लास होती है प्लस के अंदर भी, जिसमें टॉपिक वाइज जनरल एप्टीट्यूड पढ़ा रहा, टॉपिक वाइज जनरल एप्टीट्यूड आपको कराऊंगा, हर एक टॉपिक का डिस्कशन वहां पे किया जाएगा, तो वो क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है। अब आपको प्लस क्लास ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा, प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में आपको क्या करना है गाइज, प्लस सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पे मेरा कोड यूज करना है RAM23। ये कोड अगर आप यूज करोगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, कि जितनी सब्सक्रिप्शन फी है उसमें आपको 10% कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। दिव्या, कॉन्सेप्ट के सेशन हो रहे हैं मेरे, कॉन्सेप्ट मैंने प्लस क्लास के अंदर आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो सारे के सारे, उसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा दिव्या, आप एक महीने का ले लीजिए, अगर मिनिमम आपको कम टाइम का लेना है तो एक महीने में आप सब कुछ सीख जाओगे जनरल एप्टीट्यूड का, ठीक है दिव्या। और आपको किसी भी टाइप की दिक्कत है सब्सक्रिप्शन लेने में, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं हेल्प कर दूंगा, डिस्काउंट में भी हेल्प कर दूंगा आपको, ठीक है, कि नॉर्मली 10% तो मिलता है, आई विल हेल्प एक्स्ट्रा, ओके। सो जनरल एप्टीट्यूड जो है वो कंपटीशन सेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, केवल आप तैयारी जब सीएसआर की कर रहे हो तो इसके साथ साथ आप सभी एग्जाम की तैयारी भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि आप देखोगे
तो कॉमन पेमेंट जो है, कॉमन सब्जेक्ट जो होता है, कॉमन सब्जेक्ट जो होता है वो क्या है, जीए होता है, जनरल एप्टीट्यूड का होता है। कॉमन सब्जेक्ट जनरल एप्टीट्यूड का होता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपका अपना आपसे बहुत चीजें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। हाँ सहबा हसीब, जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी यही सिलेबस फॉल जो गेट का है, गेट में भी सेम सिलेबस है, जो गेट के है गेट में भी सेम सिलेबस है, गेट के अंदर भी सेम सिलेबस है। और किसी को कुछ पूछना तो आप लोग गाइस कमेंट कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा हर एक चीज का, चाहे गेट हो चाहे कोई दूसरा एग्जाम हो, जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट हमेशा यही रहता है, ठीक है। सब फिक्स टॉपिक है, यही टॉपिक आपके आते हैं जनरल मैथ्स के, जनरल साइंस के, तो आपको बहुत क्लियरली चीजें करनी है, तो आप एक स्ट्रक्चर कोर्स फॉलो कीजिए जिससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर कोर्स में आपको सब कुछ मिलता है कि एक एक टॉपिक को आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे उसी टॉपिक के रिलेटेड, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट, दिव्या फ्री में तो करते ही हो आप लोग, काफी कुछ चीजें फ्री में कर रहे हो, तो कभी थोड़ा बहुत पेमेंट भी कर लो, ज्यादा नहीं है तो, ताकि आपको स्ट्रक्चर कोर्स मिल जाएगा, स्ट्रक्चर पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी आपको, ठीक है, ये फायदा होगा दिव्या आपको। अब फ्री क्लास से तो क्या होती है, रेगुलर क्लास होती है वो तो ठीक है, फिर एक स्ट्रक्चर के लिए पूरा क्या होता है कि एक टाइमिंग बनाना पड़ता है फिक्स, वो केवल प्लस में पॉसिबल हो पाता है, थोड़ी उसमें क्लास भी अगर लंबे टाइम की होती है, डेढ़ घंटे की क्लास होती है प्लस क्लास, जिसमें आप एक टॉपिक को बहुत ढंग से समझ पाओगे, उस टॉपिक से रिलेटेड फिर कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे तो आप इजीली बना पाओगे, ठीक है। आपको कोई समस्या है दिव्या तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, आपके सारे समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आप आई थिंक मेरे ग्रुप में भी हो, नंबर भी आपके पास है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कभी भी कोई भी चीज। एनीवन डन, क्वेश्चन सिंपल है, ऑल क्लॉक आर वॉल, नो वॉल इज गोल्ड, ऑल गोल्ड इज सिल्वर। अंजलि का ऑप्शन आ रहा है बी, सभी लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है, सहबा हसीब का आ रहा है, चलिए और कोई कर रहा है जल्दी कमेंट कीजिएगा अगर हो गया आपसे तो फास्ट। चलिए इसका आंसर आपके सामने आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है इसका ई, क्या था कि बहुत फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो हो रहे हैं इसके अंदर। ऑल टाइम मैथमेटिक्स एटीएम, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून कीर्ति का, दिव्या का सही ऑप्शन आ रहा बिल्कुल ई, वेरी गुड कीर्ति एंड दिव्या, शाबाश। बोलिए एटीएम साहब क्या हाल है आपके। तो यहां पे देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल क्लॉक आर वॉल, सभी के सभी क्लॉक वॉल्स है, तो बिल्कुल ये डायग्राम बन गया इसका, ऑल क्लॉक्स आर वॉल। दूसरा बोल रहा है नो वॉल इज गोल्ड, नो वॉल इज गोल्ड, कोई भी वॉल जो है वो गोल्ड नहीं है, कभी सोने की दीवार देखी है क्या, पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑल गोल्ड इज सिल्वर, सारा का सारा गोल्ड सिल्वर है। अब कंक्लूड करना है कि ऑल क्लॉक इज नॉट गोल्ड, All clock is not gold, तो सीधी सी बात है तो सही है ही है, क्योंकि सारी की सारी क्लॉक वॉल के अंदर है और कोई भी वॉल गोल्ड नहीं है,
तो कोई भी क्लॉक भी गोल्ड नहीं होगी, इट्स ट्रू। फिर बोला ऑल सिल्वर कैन नेवर बी वॉल, ऑल सिल्वर कैन नेवर बी वॉल, ये भी सही है, क्योंकि जो गोल्ड वाला पार्ट है, जो गोल्ड वाला पार्ट वो कभी वॉल नहीं होगा, और कभी वॉल नहीं होगा तो सिल्वर का कुछ पार्ट तो कभी वॉल नहीं हो सकता, क्योंकि सिल्वर के अंदर जो गोल्ड का पार्ट है वो कभी वॉल नहीं होगा, तो सिल्वर में से कुछ पार्ट तो बच गया, और यही बोल रहा है कि ऑल सिल्वर कैन नेवर बी वॉल, तो ये भी ट्रू है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ई ऑप्शन सही हुआ। समझ में आ गया सबको जिसने गलती की है। नेक्स्ट देखिए अंजलि आपका क्या क्वेश्चन है, मैं समझा नहीं। बढ़िया है एटीएम साहब, एकदम आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया हैं। ठीक है, कैसे चल रही है आप सब लोगों की प्रिपरेशन, अच्छी चल रही है सब लोगों की प्रिपरेशन एकदम से, क्योंकि एग्जाम तो आ गया अब नवंबर के अंदर, ज्यादा दूर नहीं है नवंबर तो। अगला क्वेश्चन कह रहा कि ऑल मैरीगोल्ड आर जैस्मिन, ऑल जैस्मिन आर डेजी, नो मैरीगोल्ड इज ट्यूलिप। अब इसके अकॉर्डिंग कंक्लूड कर रहा है ऑल जैस्मिन आर मैरीगोल्ड, ठीक है, फिर ऑल ट्यूलिप इज डेली इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ट्यूलिप इज ए डेजी है, डेली नहीं है, क्या है, डेजी इज ए पॉसिबिलिटी। अंजलि का आ रहा बी ऑप्शन, दिव्या का आ रहा डी ऑप्शन। ठीक है, एक बोल रहा है कि ओनली सेकंड फॉलो, और दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं और किसी का, अरिबन चक्रवर्ती का आ रहा बी, एटीएम साहब का आ रहा बी। चलिए यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड गाइस जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है, शाबाश, बहुत अच्छा। अंजलि, अरबन चक्रवर्ती, एटीएम, कीर्ति, सुमी कुमारी, बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा किया है। तो दिव्या आपसे कुछ मिस्टेक हो गई या लिखने में मिस्टेक हो गई आपसे, गलत ऑप्शन चूज कर लिया या आपने। अब देखो यहां पे दूसरा वर्ड जो दे रखा है पॉसिबिलिटीज, ये पॉसिबिलिटी वर्ड बड़ा खतरनाक होता है और ये सबसे बड़ा काम आपका करता है। पहला तो क्या बोला इसने कि ऑल मैरीगोल्ड आर जैस्मिन, बिल्कुल सही है, ऑल जैस्मिन आर डेजी, ऑल जैस्मिन आर डेजी। फिर क्या कंक्लूड किया, नो मैरीगोल्ड इज टुलिप, कोई भी मैरीगोल्ड टुलिप नहीं है, तो नो मैरीगोल्ड इज टुलिप, ठीक है। फिर ऑल जैस्मिन इज मैरीगोल्ड, ऑल जैस्मिन इज मैरीगोल्ड, ऑल जैस्मिन इज मैरीगोल्ड नहीं है, कभी नहीं हो सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। फिर बोला ऑल टुलिप इज डेजी, ऑल टुलिप इज डेजी। अब आप बोलो ये कैसे हो गया, तो अब इसका डायग्राम मैं बना रहा हूं आपके लिए कि ये कैसे पॉसिबिलिटी है, आपको पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं अंजलि आपके सामने। अभी ये मैरीगोल्ड है, ठीक है, और इसके साइड में क्या है, जैस्मिन है, ठीक है। अब यहां बना दिया मैंने टुलिप, इसके अंदर क्या बना दिया, टुलिप बना दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे पॉसिबल हुआ, ये मेरा मैरीगोल्ड है, ये मैरीगोल्ड है, ये जैस्मिन है, और ये पूरा बड़ा जो डायग्राम है वो डेजी का है। अब दिखाई दे रहा दिव्या कि यहां से अगर मैं बोल दूं कोई भी मैरीगोल्ड जो है वो टुलिप नहीं है, कोई भी मैरीगोल्ड टुलिप नहीं, ये कंफर्म तो हो रहा है यहां से, जो अपना बोल रहा है नो मैरीगोल्ड,
इस स्टेटमेंट को फॉलो करवा दिया मैंने इस डायग्राम में, करवा दिया नहीं करवा दिया, क्योंकि यहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड दे रखा है, तो पॉसिबिलिटी तो है, किसी ने ये डायग्राम बना दिया इस जगह तो पॉसिबिलिटी तो यहां पे आ रही है, गलत ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलत नहीं है, ऑप्शन बी ही सही है दिव्या। अब समझ में आई बात, क्योंकि जहां पॉसिबिलिटी होता है वहां आपको एक्स्ट्रा सोचना है, मैंने पहले बताया था कि जहां पॉसिबिलिटी की बात होती है वहां पे कुछ ना कुछ पंगा है, आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा ढंग से कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझ में आ गई बात आप सबको, समझ गए, डायग्राम में दिख रहा साहब साहब आपको कि कहां पॉसिबिलिटी आपकी हो रही है, ठीक है, समझ गए सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो सिलेबस ऐसा पार्ट है जिसकी जितनी बार क्वेश्चन करोगे आपको लगेगा ये कुछ नया ही है, ये सिलेबस ऐसा पार्ट है जिसमें अपन सोचते हैं ना वैसा नहीं होता, थोड़ा अलग हो सकता है, तो फिर पूरा एक्स्ट्रा सोचिए, इसलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे कि सबके अंदर अलग सोचना पड़े आपको। एक कई बार पे क्या होता है फिक्स चार पांच क्वेश्चन एक ही कैटेगरी कर दो और आपको मजा आ जाएगा, वैसे ये कर लिए सब सही, ठीक है। पंचराम पटेल क्वेश्चन 15 का आपका सी आया है, मैंने क्या ऑप्शन दिया था, तो पहले 15 तो बहुत पहले हो गया, मुझे ऑप्शन याद नहीं, अब जो दिया था वो सही था ऑप्शन, आंसर में क्या बताया था मैंने 15 क्वेश्चन का, नो इश्यू दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत हो गया तो हो गया, अभी तो आप सीख रहे हो, अच्छे से सीख जाओ, अब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कंफर्मली। डी ऑप्शन आ रहा है अंजलि का, शाबाश, और किसी का ऑप्शन आ रहा है कुछ, एटीएम साहब आपका क्या ऑप्शन आ रहा है, ऑल टाइम मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो तो ये तो बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा आपका, वेरी गुड सुमी कुमारी, कीर्ति खारे का भी डी आ रहा है। चलिए अभी जाते हैं ऑप्शन के अंदर, और ऑप्शन आ गया क्या, ये कैसे हो गया, सबका तो कुछ अलग आ रहा है, ऑप्शन कुछ अलग दिखा रहा है, गलत है क्या आंसर है, कैसे हो गया ऐसा। चलिए अब देखते हैं कि जो दे रखा हो क्या है, ओनली ए फ्यू गिटार इज वोलिनी, ओनली ए फ्यू गिटार इज वोलिनी, कुछ ही गिटार जो है वो वोलिनी है, बिल्कुल ठीक बात है, कुछ गिटार वोलिनी है, आप इसको ऐसे बना सकते हो, ओनली ए फ्यू गिटार इज वोलिनी मीन्स इसके अंदर आप वोलिनी बना लो, इसके अंदर वो नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, और ये गिटार हो गया बाहर, ऐसा भी तो हो सकता है, अगर ऐसा हो सकता है तो यहां पे देखो कुछ वोली नहीं क्या है, गिटार है, यहां पे ये चीज होगी सम गिटार आर वोलिनी, सम गिटार आर वोलिनी,
ऑल वोलिनी इज म्यूजिक, ऑल वोलिनी इज म्यूजिक, तो ऑल वोलिनी इज म्यूजिक यहां पे डाल दीजिए, म्यूजिक को यहां म्यूजिक डाल दीजिए, ठीक है। फिर नो वोलिनी इज साउंड, कोई भी वोलिनी साउंड नहीं है, तो साउंड आप बाहर ले लीजिए यहां से, ये साउंड आपका, ये हो गया। अब ये डायग्राम देख के बताओ कि ऑल म्यूजिक इज ए गिटार इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा म्यूजिक गिटार के अंदर आ जाए, ये पॉसिबिलिटी तो हुई नहीं हुई। यहां वर्ड पॉसिबिलिटी का ध्यान दो, मैंने इतनी बार बोला है, पॉसिबिलिटी अगर है तो उसको देखो कहां पॉसिबल हो रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आया, आपका ए आया, जहां पॉसिबिलिटी है वहां पे बहुत कुछ है, जहां पॉसिबिलिटी है यहां पे बहुत कुछ है। समझ में आप आ गया सबको कि जहां पॉसिबिलिटी है वो बहुत कुछ कर सकता है, तो उस पॉसिबिलिटी का बहुत ध्यान दीजिए। क्योंकि आप लोग क्या करते हो मुझे पता है, कई लोगों ने ट्रिक सीख रखी है कि 100 और 50 वैल्यू लेते हैं, 100 लेते हैं ऑल के लिए, 50 लेते हैं सम के लिए, ठीक है, और 9 के लिए क्या लेते हो, 9 के लिए भी 100 लेते हो, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट लेके करते हो। तो वो कॉन्सेप्ट यहां काम नहीं आता है, वो कॉन्सेप्ट यहां पर आके ये वाला कॉन्सेप्ट जो है फेल हो जाता है यहां पे, ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। ये ट्रिक जो होती ना, ये ट्रिक केवल और केवल जहां पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं होता वहां काम आती है, जहां पॉसिबिलिटी आ गई या सेम ऑब्जेक्ट आ गया, ये सारी ट्रिकें फेल हो जाती है, सारी की सारी ट्रिकें फेल हो जाएगी, कोई काम नहीं आने वाली। तो एक्चुअल देखिए क्वेश्चन को क्या करना चाह रहा है क्वेश्चन एक्चुअल में, उसी पे जाइए तभी आप कर पाओगे। क्योंकि आप इतना क्वेश्चन करने के बाद भी आपसे मिस्टेक हो रही है कि नहीं हो रही है, आप पंचराम पीछे से देख रहे हो क्या, क्या क्वेश्चन कहां से अभी इतना लेट कैसे ऑप्शन दे रहे हो? पटेल साहब आप इतना लेट कैसे ऑप्शन क्या दे रहे हो? सबके आंसर आपको दे रहे क्या, आगे सोल्यूशन सबका करवाया है पटेल साहब, आप देख लीजिएगा, या आपका इतना स्लो चल रहा है नेट इसलिए इतना पीछे से आ रहा है। चलिए गाइज वेरी गुड, अब आप लोगों को समझ में आया लग रहा है मुझे, वेरी गुड अंजलि दिव्या, अब आप कंफर्म हुए कि पॉसिबिलिटी वाला बहुत कुछ करता है। क्यों अब समझ में आया पॉसिबिलिटी क्या क्या कर सकता है? अब सबने पॉसिबिलिटी को ढंग से लिया है दिमाग के अंदर कि पॉसिबिलिटी हमारे साथ भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, हैं? कि पार्ट ए जो है सीएसआर का, जो पार्ट ए है, जो पार्ट ए है, ये पार्ट ए आपको जेआरएफ से बाहर कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, इसको ध्यान दे। और ये जेआरएफ के अंदर भी कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, जेआरएफ की बात कर रहा हूं मैं। गेट का एग्जाम दे दीजिए, जेआरएफ दे दीजिए, कोई भी दे दीजिए, डेट सीएसआर जो भी कुछ देते हो, इन सब के अंदर जो कंपटीशन में जीए जो होता है, जीए जो होता है, जनरल एप्टीट्यूड जो होता है, ये एकमात्र ऐसी चीज है जो इन करता है या आउट करता है, या तो आपको इन भी कर सकता है या आउट भी कर सकता है, इसके अंदर इतनी पावर है, इसके अंदर इतनी पावर है कि इसके थ्रू आप, केवल इसके थ्रू आप अंदर जा सकते हो और इसके थ्रू, इसके कारण बाहर भी हो सकते हो। तो यहां पे देखो
स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम गोल्ड आर बेंगल, सम गोल्ड आर बेंगल, बिल्कुल ठीक है, ऑल बेंगल आर एंकल हो गया, फिर ऑल सिल्वर इज गोल्ड, सारा का सारा सिल्वर गोल्ड है। अब क्या बोल रहा है, ऑल गोल्ड इज ए सिल्वर, ए सिल्वर, ऑल गोल्ड इज सिल्वर इज ए पॉसिबिलिटी। अब ये क्या बोल रहा, सारा का सारा गोल्ड एक सिल्वर पॉसिबिलिटी। यहां पे देखो ये गोल्ड है और इसी के ऊपर किसी ने डायग्राम बना दिया पूरा का पूरा सिल्वर, ये लो। जब पॉसिबिलिटी की बात आती है तो ये हो सकता है, ठीक है। फिर बोल रहा सम सिल्वर इज एंकर्ड इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ सिल्वर है तो इसको, ये डायग्राम तो बना ना, इसको थोड़ा ऐसे आगे बढ़ा दो ऐसे, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ये भी तो पॉसिबिलिटी तो है। तो जहां पॉसिबिलिटी है यहां पे सब कुछ है। तो कैसे समझ में आए कुछ क्वेश्चंस गाइस आप लोगों को, आज क्वेश्चन करके मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बताइएगा क्वेश्चन करके मजा आया कि नहीं आया आप लोगों को, जल्दी बताओ, क्योंकि अब अपना लास्ट क्वेश्चन एक और कर पाएंगे, इसके बाद क्लास एंड करेंगे, वापस शाम को 9 बजे मिलेंगे स्पेशल क्लास के अंदर। तो ये है सिलोग के एक्चुअल क्वेश्चन, आप एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हो इनसे बहुत डिफरेंट है। चलिए जल्दी कीजिएगा इसको, जल्दी कमेंट कीजिएगा आंसर फास्ट। होमिका मुरुगाउल का आ रहा बी ऑप्शन। चलिए और कोई, डी आ रहा है दिव्या का। चलिए पूजा दे का बी आ रहा है। ये आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, देख लीजिए अब आप। सुमी कुमारी डी आ रहा है, क्या हो गया फिर लास्ट क्वेश्चन में भी अपने मिस्टेक कर गया फिर लोग हैं। देखो नो अवार्ड इज ड्रामा, नो अवार्ड इज ड्रामा, यह तो नो ड्रामा इज म्यूजिक, तो सारा का सारा अवार्ड जो म्यूजिक के अंदर है तो नो अवार्ड इज ड्रामा, यह तो कंफर्म फॉलो हो रहा है, यह तो कंफर्म है। फिर बोल रहा सम मूवी इज म्यूजिक इज अ पॉसिबिलिटी, सम मूवी इज म्यूजिक इज अ पॉसिबिलिटी, यह पॉसिबिलिटी है, यह पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं बताऊं, ये मैं यहां नहीं बढ़ाता हूं, ये मैं यहां नहीं बढ़ा के यहां बढ़ाता हूं, ऐसे बढ़ा दू तो मुझे कौन रोकेगा, इन दोनों में डाल दू इसके साथ तो कौन रोकेगा मुझे बताओ, तो ये पॉसिबिलिटी हुई कि नहीं हुई। अरे पॉसिबिलिटी बहुत कुछ करती है, मैंने आपको पहले ही बताया है, पॉसिबिलिटी बहुत कुछ कह जाती है, पॉसिबिलिटी जहां है वहां सब कुछ है, ठीक है। तो इस पॉसिबिलिटी का ध्यान दीजिएगा, अरिनब का, कीर्ति का, अंजलि ने बाद में सही कर लिया वापस, बहुत अच्छा, अंजलि का सही भी आया है। ओके एलसी, वेयर पॉसिबिलिटी, वेयर एनीथिंग इज पॉसिबल, कि जहां पॉसिबिलिटी है वहां एनीथिंग पॉसिबल। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, नाउ वी विल मीट अगेन एट 9 PM इन स्पेशल क्लास। ओके गाइज, फॉर एनी इश्यू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन ज्वाइन मी।
Any question, guys? You want to ask now? Any question? LCRC, you have any question you want to ask? Thank you very much, guys. Thank you. शाम को 9 बजे हमेशा डेली 9 बजे 9 PM स्पेशल क्लास का टाइम जो होता है शाम को 9 बजे डेली हमेशा होती है, ठीक है, बिना कोई छुट्टी के डेली 9 बजे। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।